इस वक्त मुल्की हालात कैसे हैं, लेकिन इस तरह के बिजनेसमैन मौजूद हैं, अगर हुकूमत इनको सपोर्ट करे तो ये गरीबों के लिए अपने खजानों के मुंह खोल देते हैं। पाकिस्तान का पहला लकी ड्रॉ जिसमें गोल्ड आपको दिया जा रहा है, गोल्ड ड्रिंक किसको दोगे? ये मैं अपनी वालदा को दूंगा, और जब मैं घर से निकला तो मैं सोच रहा कि शायद वो लकी ड्रॉ मेरा भी जो है वो निकला है, तो मैं ये अपनी वालदा को दूंगा। न्यूज टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त मुल्की हालात कैसे हैं, लेकिन इस तरह के बिजनेसमैन मौजूद हैं, अगर हुकूमत इनको सपोर्ट करे तो ये गरीबों के लिए अपने खजानों के मुंह खोल देते हैं और गरीबों के लिए दर्द दिल रखते हैं। तो ऐसे बिजनेसमैनों को जो है वो हम खराज तहसीन पेश करते हैं और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। पाकिस्तान का पहला लकी ड्रॉ है जिसमें गोल्ड आपको दिया जा रहा है, हमने बहुत सारे टीवी शोज में गोल्ड मिलते हुए देखे, लेकिन हम लोगों ने लाइव कभी भी अंदाजी नहीं देखी जिसमें आपको गोल्ड रिंग मिल सकती है। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको यहाँ पर रोकते हैं और अब हम शुरू करते हैं तीरंदाजी। पहला जो नाम है वो बट साहब निकालेंगे अपने मुबारक हाथों से, बट साहब स्टार्ट करें। अब लोग अपने काउंटडाउन स्टार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला नाम है जी जाकिर हुसैन, कौन है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जहाँ के भी है वो आ जाए। जाकिर हुसैन बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं ये जी जी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी जी आई डी कार्ड है, वेरीफाई करेंगे व्हाट्सएप भी देख लें। इशफाक भट्ट साहब को भी दिखा, इशफाक भट्ट साहब आप भी देख लें, दिखा भी दे इशफाक भट्ट साहब, तो दिखा रहे हैं यहाँ पे जाकिर हुसैन को पहले शरीफ ज्वेलर जिंदा एक्साइटेड है, यहाँ पे शरीफ ज्वेलर जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। अब साहब पूछते हैं जाकिर साहब आप इनके कस्टमर हैं? जी जी इंशाल्लाह जरूर है, कस्टमर है और कस्टमर बढ़ाऊंगा। कस्टमर नहीं है आप इनके? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी कस्टमर हो गया है। यहाँ पर जो है जितनी रिंग्स हैं उतने माइक भी लगा दिए गए हैं, अब यहाँ पर हम लोग जो है वो रिंग देंगे अभी। और अकबर साहब मुझे बताएं आप किसको ये रिंग देंगे? मैं अपनी बेटी के लिए रखूंगा। ये बेटी के लिए रखेंगे, बेगम को क्यों नहीं? बेगम तो अभी और रहने दो, बेगम को क्या करना है, बस ठीक है, बेगम ने क्या करना है, बेटियों के काम आती है, ठीक है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर अकबर साहब अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं और इन सारी बेटियों के बारे में बट साहब ने सोचा है, तभी जाके उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो ये दूसरी गोल्डन कप अकबर साहब को पहनाएंगे और आप दूसरी मंगनी बट साहब की होगी अकबर साहब के साथ। चले जी अकबर साहब आपके लिए ये गोल्ड रिंग देखे कैसे चमक रही है, कैसे लश्कारे मार रही है, और यहाँ पे होगी मंगनी, ये देखे जी गोल्ड रिंग मिल गई है। ये गोल्ड रिंग एक आम बंदे को मिली है शरीफ ज्वेलर्स के तवस्सुत से, कोई बेईमानी नहीं। शरीफ ज्वेलर्स जिंदाबाद। चलो चले यहाँ पर आप बट साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, तीसरा नाम अनाउंस करें। ये अब नाम निकले तीसरा, क्या नाम है? चौधरी शरफ खान, शरफ खान चौधरी, शरफ खान कौन है? चौधरी शरफ खान, चौधरी शरफ खान कौन है? नहीं है। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं यार उनकी पर्चियाँ निकली है वो कैंसल है। खुर्शीद बानो, खुर्शीद बानो कौन है? खुर्शीद बानो साहिबा मौजूद है यहाँ पे, तो इधर आ जाए, तशरीफ ले आए।
खुर्शीद बानो, खुर्शीद बानो यहाँ पर वो मौजूद हैं तो आ जाएं, वरना उनकी पर्ची खारिज हो चुकी है। एक और लकी बंदा जिसका नाम निकलने लगा है, दाऊद खान। दाऊद खान कौन है जो यहाँ पे मौजूद है? दाऊद खान साहब, दाऊद खान साहब आ गए। ये दाऊद खान साहब यहाँ पे मौजूद है और दाऊद खान साहब ने ये गोल्ड रिंग जीत ली है, 3 गोल्ड रिंग दाऊद खान साहब ने जीत ली है, 3री गोल्ड रिंग शरीफ ज्वेलर के तवस्त से। यहाँ पे गोल्ड रिंग दाऊद खान साहब, अब अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे एज अ प्रूफ। दाऊद खान साहब मुझे बताएं, आप शरीफ ज्वेलर्स के कस्टमर हैं? नहीं कस्टमर नहीं, लेकिन कस्टमर बन जाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं कराची से आया हूँ। यहाँ पे कराची से आए हैं और कराची से आके वो गोल्ड रिंग जीत चुके हैं। यहाँ पर दाऊद खान साहब को यहाँ पर गोल्ड रिंग दे दी गई है। दाऊद खान साहब जो है देख लें, अब हम आप एज अ प्रूफ आपको दिखा रहे हैं कि कोई कस्टमर नहीं है, ये शरीफ ज्वेलर के रैंडम है, कराची से आए हैं, किस्मत आजमाई है शरीफ ज्वेलर की, तवस्त से उन्होंने गोल्ड रिंग जीत ली है और यहाँ पर अभी इनको गोल्ड रिंग जो है वो पहनाई जाएगी। ये गोल्ड रिंग आ गई है दाऊद साहब की और अब गोल्ड रिंग पहनाई जाएगी। चमकारे मारती हुई गेस्ट, शाइन करती हुई गोल्ड रिंग आपकी भी हो सकती है। कैसा फील कर रहे हैं आप? मंगनी करा के कैसा फील कर रहे हैं? मंगनी दूसरे एक कोई पहले संभाल ले तो बड़ी बात है। उनका कहना ये है कि आप पहली में संभाल लूं बड़ी बात है। दाऊद साहब ने ये गोल्ड रिंग जीत ली है। यहाँ पे कोई बंदा अगर है जिसके पास 1 रुपए का नोट हो, सिक्का नहीं नहीं नोट का है मेरे, कोई बंदा हो जिसके पास 2 रुपए का नोट पड़ा हो, 2 का नोट नहीं नहीं जिसके पास 2 नोट है ना, 2 रुपए वाला या 5 वाला? मेरे पास है ये लो, 1 और 5 वाला। दो वाले भाई मेरे पास भी है, 2 नहीं 2 आपके पास 5। अच्छा इन दोनों की पर्ची डालो यार। हमारे सब जो है जिनके पास 2 और 5 का नोट है लड़ाई पड़ गई है। इंतहाई गरीब आदमी है वो मास्क पहन के गर्मियों में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग सिक्का जो है वो उछालेंगे। अच्छा मुझे बताएं मस्जिद के चांद, अब टॉस किया जाएगा, टॉस यहाँ पर गोल्ड रिंग
कह रहा हूँ मैं इसको ये गोल्ड रिंग मिलेगी, एक और गोल्ड रिंग, एक और बड़ा चीज का है। सर मेरे को तो अभी बाइक की कंसीडर है, मुझे शो का कंसीडर है, बड़े मुल्कों की कंसीडर है, ये तो नहीं जेल में रोना नहीं हूँ मैं। नहीं अब एक्साइटेड तो हो तुम बहुत ज्यादा, ये गोल्ड रिंग किसको दोगे? ये मैं अपनी वालदा को दूंगा, और जब मैं घर से निकला तो मैं सोच रहा कि शायद मेरा भी जो है वो निकला है।